कि जिन्ना को लेकर सज्जन सिंह वर्मा का प्रेम अब जग जाहिर होने लगा है और इसे लेकर वो लगातार बीजेपी के निशाने पर है। सज्जन भैया के अंदर भी जिन्ना का भूत सवार दिया, जो जिन्ना का भूत कभी दिग्विजय सिंह के सर चढ़कर बोलता था, वो जिन्ना का भूत अब सज्जन सिंह वर्मा के सर चढ़कर भी भोगने लगा। क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष हैं जिन्ना? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि देश विभाजन उसके पुरखों ने और जिन्ना ने मिलकर किया? आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ी करके पूछती है, अगर जिन्ना तुम्हारा आदर्श पुरुष है तो चंद्रशेखर भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ये क्या थे? और इसलिए महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि कांग्रेस पद भ्रष्ट हो गई, ये कांग्रेस विचार भ्रष्ट हो गई, इसलिए इस कांग्रेस को खत्म करो। लेकिन कांग्रेस का जिन्ना प्रेम ने आज ये तय कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं सोनिया गांधी को, बता देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि तेरा जिन्ना प्रेम, कांग्रेस का जिन्ना प्रेम, सोनिया गांधी का जिन्ना प्रेम, राहुल गांधी का जिन्ना प्रेम, सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम या दिग्विजय सिंह का जिन्ना प्रेम, अब कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाले हिंदुस्तान में चार लोग नहीं मिलेंगे। ये बात कांग्रेस के नेता द्वारा कहकर इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका दोषी कोई था, तो वो जवाहरलाल नेहरू था। अब मुद्दा ये उठता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व चुप क्यों है? या तो वो इस बात का खंडन करे, नहीं तो ये बात स्वीकार हो जाएगी कि नेहरू ही इस देश के बंटवारे के दोषी थे, जो हम कहते आए हैं, जो इतिहास कहता है, जो इतिहास के तथ्य कहते हैं। दोनों ने, जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू ने, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए। चलिए इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए, अब्बास हाफिज जी कांग्रेस प्रवक्ता, इसके साथ ही आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले अब्बास हाफिज जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कारण है सज्जन सिंह वर्मा का बार बार जिन्ना प्रेम क्यों आखिर सामने आ रहा है? पहले मंदसौर में और उसके बाद अब आगरमालवा में उन्होंने जिन्ना को लेकर बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में दही डालने का काम किया है और कुछ नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिंदा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग और जिन्ना के ही दम पे जिंदा है। यहाँ पर मतलब साफ है कि बंटवारे की वजह से राजनीति करना जो इनका काम है वो ये कर रहे हैं, और उन्होंने कोई अपना पुरखा नहीं बताया। तो भाजपा के लोग हैं जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में हैं, जो इससे पहले आपने दो को दिखाया, एक मंत्री बन गए हैं, दूसरे मंत्री बनने का अधिकार छीनना समझते हैं दूसरे व्यक्ति से, दोनों लड़ रहे हैं आपस के अंदर, तो कौन कितने ज्यादा ऐसे बयान देगा आड़े तेड़े, उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। अरे जिन्ना का प्रेम तो जग जाहिर है, आडवाणी जी तो उनकी मजार के ऊपर वहां माथा टेक कर आए थे, कहा था महापुरुष थे जिन्ना, और उसके बाद क्या क्या हुआ था, ये पूरी बस लेके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम लोग, नरेंद्र मोदी जी दो बार होकर आ गए पाकिस्तान, वहां चिट्ठियां लिख रहे हैं, साड़ियां भेज रहे हैं, ये तमाम चीजें तो हमने भी देखी। और सबसे बड़ी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, इनके जो संस्थापकों में से एक है, उन्होंने तो सरकार में मंत्री बनने का पद लिया था वहां पर जिन्ना के साथ, जिन्ना की पार्टी का सरकार बना चुके हैं ये लोग, हम पे आरोप लगाएंगे। बात बहुत स्पष्ट है, उसी बात पर खत्म करूंगा कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने तंजिया कहा और साफ तौर के ऊपर कहा कि जिन्ना मतलब जिन्ना की विचारधारा की वजह से इनकी विचारधारा जिंदा है, बंटवारा होकर यहाँ पर ये लोग नेतागिरी करने लगे, राजनीति करने लगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ पहले मिले हुए थे, आज भी इनके विचार वैसे ही लगते हैं, हमारा लेना देना ना तो पहले क्या था, कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान का समर्थन करती है जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश को तोड़ा नहीं है, उन्होंने तो भला किया है, भागवत और मोदी को भला किसका दिया है, उन्होंने भला किसका दिया? कांग्रेस पार्टी फिर साफ कर रही है, सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान जो है वो ये है कि उन्होंने भला, जिन्ना ने भला किया है भाजपा का, भाजपा के नेताओं का भला जिन्ना ने किया है कि जो उसके दम पे आज राजनीति करते हैं। अच्छा। हमने ये नहीं कहा है, सज्जन सिंह वर्मा जी का पूरा बयान साफ कहता है कि भाजपा के नेताओं को कह रहे हैं वो, और भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं कि तुम्हारा भला कर दिया, उसने तुम्हें राजनीति का मौका दे दिया, नहीं तुम कहां राजनीति करते हैं? और हम लोग हमेशा से जिन्ना के विरोध में ही रहे हैं, जिन्ना तो हमसे बात भी नहीं करता था, हमारी पार्टी, इनकी पार्टी उसके साथ सरकार बना के गई वहां पर, मुस्लिम लीग और इनके जनसंघ जो भी था वहां, हिंदू महासभा, सबने सरकार बनाई, मुखर्जी साहब मंत्री बने या नहीं बने तो फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली की सरकार के अंदर, तो ये सारी चीजें स्पष्ट है। क्या नहीं कहा था आडवाणी जी ने कि सबसे बड़े महापुरुष थे जिन्ना, उनकी मजार के ऊपर जाके माथा टेकाए थे आडवाणी जी, तो ये सारी चीजें तो बहुत हमें सबको मालूम है, ये भाजपा के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए बेमुद्दे का मुद्दा बनाना है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कहना है सज्जन सिंह वर्मा का कि भागवत और मोदी को खड़े होने की जगह जिन्ना ने दी है, और अब्बास हाफिज जी की भी बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे सर इसे लेकर? जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान प्रेम से कैसे करे इनकार,
तो ये अब कांग्रेस का नया रूप है, ये जिन्ना प्रेमी, ये पाकिस्तान समर्थन वाली ये जो कांग्रेस है वो अब नजर आ रही है। मुझे लगता है कि शायद गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करके, उनकी पुण्याई को खाके शायद अब माइलेज कम मिलने लगा है, तो इसलिए जिन्ना और पाकिस्तान अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे आ गए। जब ये जिन्ना को इतना महिमा मंडित करते हैं और उनको अपना लगभग आदर्श पुरुष बताने लगते हैं, तो बताएं अगर जिन्ना ने ही सब कुछ किया तो फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कांग्रेस के मंच पे गांधी जी की प्रतिमा धूल खा रही थी, लोग उस पर चढ़ के जा रहे थे। ये कांग्रेस का नया स्वरूप है जैसा मैंने बताया। दूसरी बात, जो विभाजन की विभीषिका उस समय जो देश ने झेली, जो माँ भारती के सीने पर आरी चलाकर दो टुकड़ों में बांट दिया गया, घर परिवार तहस नहस हो गए, आज कांग्रेस ने उसका श्रेय ले लिया। कांग्रेस ने उसको स्वीकार लिया कि वो तो जिन्ना और नेहरू की आपसी साठगांठ थी कि तुम ये ले लो, मैं ये ले लो और बात खत्म। तो ये जितने भी ये जो रहस्योद्घाटन जो इनके माध्यम से लगातार हो रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी के माध्यम से, वो कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा बताती है। अब कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट से बढ़ के पाकिस्तान अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे आ गई है। ठीक है, अब्बास हफीज जी क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान दिया जाता है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ता है और बैठे बैठे बीजेपी को मौका दे देते हैं कांग्रेस के नेता। देखिए भारतीय जनता, मुझे आशीष जी की बात पे हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि विद्वान हुआ है, लेकिन पार्टी की मजबूरियां हैं उनके साथ, इसलिए वो उसको उसके ऊपर इस तरह का बयान देने से मजबूर है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने साफ तौर पर भाजपा पे निशाना साधा। भाजपा हर निशाना जो खुद पे लगता है वो पूरे देश से जोड़ देती है, आज जनता भी जानती है। कोई नुकसान नहीं होना है, बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की पार्टी के साथ, इन्हीं दोनों का विचारधारा मिलती थी बंटवारे की, इन्होंने उनको वहां मौका दे दिया राजनीति करने का, उन लोगों ने इनको यहाँ मौका दे दिया राजनीति करने का। साफ तौर पर सज्जन सिंह वर्मा जी ने यही कहा है और तो कुछ नहीं कहा। हमारा तो इतिहास है, हम तो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के सबके विरोधी माने गए हमेशा से, और हमसे तो बात भी नहीं की जाती थी वहां पर, और इनके साथ अच्छी गलबैयां होती थी। हम ये कह रहे हैं कि अडवाणी जी का प्रेम जग जाहिर नहीं है क्या, जिन्ना को जो उन्होंने महापुरुष बताया उस पर कोई जो बस बात खत्म करूंगा अपनी, जो आशीष जी ने कहा जी, कि जो जिन्ना से प्रेम करता है वो पाकिस्तान प्रेमी कैसे नहीं होगा, तो क्या अडवाणी जी के बारे में कह रहे हैं? अडवाणी जी का तो रिकॉर्ड के ऊपर है ये बयान, तो इस तरह की चीजें हैं, सब क्या कहेंगे इनसे? इन लोगों का वैचारिक जो दिवालियापन है वो दिख रहा है सामने, कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता, इसके साथ ही अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन देखिए बार बार सज्जन सिंह वर्मा का ये जिन्ना प्रेम निकलकर सामने आ रहा है। पहले मंदसौर में भी उन्होंने जिन्ना को साहब कहा और बीजेपी पर निशाना साधा, और दूसरी बार अब आगरमालवा में उन्होंने जिन्ना को लेकर ये बयान दिया है। विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से जिस तरह से बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में लग रही है।